चलो बजाओ। नमाओं विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमाओं विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी आशात देश तारिणे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. Nitai Gaurango, Gaur Hari, Nitai Gaurango, Gaur. Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Nitai Gaur Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupad, 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 Jaya Jaya Prabhupad, 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 Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, 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 Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe. Bolo Hari Naam Sankirtan Mahayagy Ki Jai. श्री श्री राधा राधा कांत भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय। प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। षड गोस्वामी गण की जय। शिल गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतापनकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीककांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा शादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ भी कहें कृपा करके इन बातों को ध्यान से सुनिए और इनका चिंतन मनन कीजिए। देखो, जैसा कि हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ अवतार हैं, अवतारों के सार हैं। अवतार सार गोरा अवतार, अवतार सार गोरा अवतार, केने न भाजी ली तारे,
केने न भजिले तारे करी निर्वास गेला ना प्यास 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 आपन कारम फेरे आपन कारम फेरे अवतार सार गोरा अवतार अवतार सार गोरा अवतार केने न भजिली तारे केने न भजिली तारे। आचार्य बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु अवतारों के सार हैं और अवतार सार गोरा अवतार, लेकिन किसी ने इनको भजन नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति इनका भजन नहीं करता तो वो इसी प्रकार से माना जाएगा कि पानी में रहते हुए भी वो प्यासा ही मर गया। पानी में रहते हुए वैसे प्यासा मरने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा सुदुर्लभ अवतार पाकर के भी अगर कोई प्यासा मर जाता है तो उसके अपने ही कर्म हैं। तो मेरे खुद के ही ऐसे कर्म हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु जो के अवतारों के सार हैं, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी, लेकिन मैं उसे ग्रहण नहीं कर पाया और मैं मर गया, ये शरीर छोड़ करके चला गया संसार से। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे अवतारों के सार हैं, उनकी शिक्षा भी सार शिक्षा है। सार शिक्षा मतलब सर्वोत्कृष्ट शिक्षा है, इससे बड़ी शिक्षा किसी भी अवतार में हमें देखने को नहीं मिलती। और ऊपर से सार रूप में उन्होंने शिक्षा दी, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा सार रूप में हमें प्रदान कर रहे हैं भगवान। सार रूप में मतलब बहुत ज्यादा पोथियां खोलने की आवश्यकता नहीं है, बहुत थोड़े में ही मात्र इन 8 श्लोकों के माध्यम से ही भगवान हमें ये सारी शिक्षाओं को प्रदान कर रहे हैं। तो महाप्रभु की जो परंपरा है, जो कि प्रभुपाद जी के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से आज हमें उपलब्ध है, इस परंपरा में यही 8 शिक्षाओं का विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने बल देकर के सारे संसार को शिक्षा दिया। तो गुरुदेव की दया से हम सभी ये शिक्षाओं को बड़ी सहजता से ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने 8 श्लोक की शिक्षाएं दी हैं, जिसमें हम 6वें श्लोक तक जा चुके हैं। पहला श्लोक, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिनामानदेन कीर्तनीय सदा हरि। क्षमा कीजिए, तीसरा श्लोक है ये। पहला श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन की जय नहीं, परम विजय हो, क्योंकि इससे श्रेष्ठ वस्तु और कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये 7 फलों को देने वाला है। पहला, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला। दूसरा, भव महादावाग्नि, जो संसार की न दिखाई देने वाली महादावाग्नि है उसको ये शांत करने वाला है। कल्याण के पुष्पों को अपनी चंद्रिका का वितरण करके खिलाने वाला है। विद्या रूपी वधु को जीवन दान देने वाला है। आनंद रूपी समुद्र को बढ़ाने वाला है। पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला है 6वां फल। और समस्त आत्म तत्व को कृष्णमय कृष्ण रस में डुबोने वाला है। सर्वात्म स्नपनम, सभी आत्म तत्व को डुबो करके कृष्ण रस में रंगीन करने वाला है। ये 7 फलों को देने वाला चैतन्य शिक्षाष्टकम के द्वारा भगवान इस नाम संकीर्तन की महिमा को बता रहे। दूसरा, लेकिन मेरा ही दुर्दैव है कि मैं अपराधों के कारण मैं ऐसे नाम में अनुराग उत्पन्न नहीं कर पाया जो कि
ऐसी सुविधाएं रखता है कि जो देश काल पात्र आदि का कोई नियम नहीं हमें प्रदान करता। बिना नियम के ही हमें सार्वभौमिक सार्वकालिक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। बहुत सारी चीजें हैं जो संसार में सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध नहीं होती, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है चीजों को लेने के लिए। बहुत सारी चीजें सार्वजनिक नहीं होती, किसी के पास होती है, किसी के पास उसकी उपलब्धता नहीं होती, क्योंकि जन क्वालिफाइड नहीं होते। बहुत सारी चीजें सार्वकालिक रूप से नहीं होती, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक से समझा रहे कि मेरा अनुराग इसमें नहीं हो पाए, हालांकि आपने अपने नाम में सारी शक्तियां अर्पित कर दी। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवमी दृश्य महाजनी नानुराग। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ साधन की सर्वसुलभता का भी यहाँ पर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी सर्वसुलभ है, लेकिन इसके लिए एक ही अधिकार है कि ऐसी पद्धति से इसको लिया जाए, ऐसे भाव से लिया जाए जो तीसरे श्लोक में बता रहे हैं। तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णु नाम अमानिनाम आनंदेन कीर्तनीय सदा हरि। अन्वय पद्धति से बताया कि ऐसी आकांक्षा के साथ कीर्तनीय सदा हरि संभव है। व्यतिरेक पद्धति से भी चौथे श्लोक में बताया, जो अनर्थ निवृत्ति का भी सूचक है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तेर अहित की। तो हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, ना ही जन, जनों में विशेष रूप से स्त्री। कविताम सुंदरी अर्थात संसार की जो प्रतिष्ठा देने वाली जो संसारी भौतिक शिक्षा है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले केवल अहेतु की भक्ति आपकी चाहिए। उसके बाद भगवान अनर्थ निवृत्ति का यहां से आगे बढ़ते हैं और जीव के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि हमारी मूलभूत अवस्था क्या है, क्यों हमें इस संसार में ये सब चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस संसार के हैं ही नहीं, जैसा गुरु महाराज वर्णन करते हैं। अय नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुदो। हे कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूं, आपका मेरा एक ही संबंध है कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, लेकिन मैं इस संसार की विषम परिस्थिति में आकर के गिर पड़ा हूं, जो कि हमें ये संसार विषम नहीं लगता। अय नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय। आप मुझे अपनी धूली का, चरणों की धूली का एक कण बना करके आपका निज सानिध्य सदैव के लिए मुझे प्रदान कीजिए। ये मूल स्वरूप का जीव का वर्णन किया और जीव को उपदेश दे रहे हैं भगवान की हमारी आसक्ति भगवान के चरणों में ऐसी हो जैसे कि रज भगवान के चरणों से चिपक जाती है, जो वर्णन ऑलरेडी किया जा चुका है। आगे भगवान भाव अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। अगर कोई इससे ऊपर उठता है तो उसके अंदर ऐसी भावना का विकास होगा। कौन सी भावना का? नयनम गलद अश्रु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम उच्चारण करते ही मेरा कंठ गदगद हो जाए, अश्रुओं की धारा बहने लगे, सारा शरीर पुलकित हो जाए, ऐसी स्थिति कब होगी? अर्थात ये प्रश्न सभी साधकों के लिए भगवान खड़ा कर रहे हैं कि मैं ऐसा, मन में पहले तो हमारे ऐसे विचार ही नहीं आता कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन महाप्रभु इस शिक्षा के द्वारा भाव अवस्था की प्रारंभिक अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो इसको समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, पहले ही कि भाव होता क्या है। वास्तव में किसी भी आसक्त वस्तु के प्रति जब हमारे मन की जो दशा प्रकट होती है उसको ही भाव कहते हैं। जैसे स्त्री के प्रति आसक्त हैं तो उसके प्रति जिस प्रकार की भावनाओं की तरंगे हमारे हृदय में उठेंगी वो भाव कहलाएगा कि चलो उसके लिए साड़ी लेकर के आना है, उसके लिए गहने लेकर के आना है, उसके लिए गाड़ी लेकर के आनी है। हमारा बालक के प्रति आसक्ति है तो उसके प्रति हमारी भावनाओं का उठना स्वाभाविक है। तो
ये जिसके प्रति हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति को लेकर के जैसी मन में तरंगें उठती हैं, वो तरंगों का उठना ही भाव है। और भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाए, और आसक्ति के बाद जब कृष्ण के प्रति किसी भी प्रकार की जब हमारे अंदर अनुकूल भावना के साथ भावना उठती है, जैसे कि भगवान जब प्रकट हुए माता विदुरानी के यहाँ पर, दरवाजा खटखटाया उन्होंने, माता विदुरानी स्नान कर रही थी। गुरु महाराज बड़ा सुंदर इस कथा का वर्णन करते हैं, तो उन्होंने पूछा कौन, तो भगवान ने बताया मैं कृष्ण। एकदम से कृष्ण नाम सुनते ही उनके अंदर भावना का ऐसा संचार हुआ कि वो भूल ही गई अपने आप को कि मैंने शरीर अभी स्नान अवस्था में है, मैंने शरीर को ढका हुआ नहीं है। वो जाकर के तुरंत जाकर के उन्होंने दरवाजा खोल दिया। ये कैसी भाव अवस्था है। और जैसे ही भगवान आए अंदर, तो ये ऐसी विवल हो गई कि भगवान को कहाँ बिठाएं, क्या करें, भगवान के कैसे स्वागत करें, कैसे सत्कार करें। वो समझने लगी आज तो मेरा पवित्र सारा घर मेरा पवित्र हो गया। जैसे एक भजन में दो लाइनें हैं, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। उस समय विदुर जी घर पे नहीं थे, विदुरानी माता ही घर पे थी। उन्होंने तुरंत भगवान को बिठाया और भगवान कहते हैं मैया भूख लगी है, तो फिर भाव उत्पन्न हो गया। अब भगवान को क्या खिलाऊं, कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही, केले हाथ पड़े केले ही उठा करके लेकर के आ गई, और केले में भी खिलाने में ऐसे भाव में डूब गई कि उन्होंने केले को गूदे को देना होता है या छिलके को देना होता है यही होश नहीं रहा। और उन्होंने तुरंत जल्दबाजी में छिलका ही उतार करके भगवान के हाथों में पकड़ा दिया। और भगवान की भी एक शर्त है, उसको भी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन करते हैं। बोले भगवान को किसी संसार की विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो संसार के सब लोगों के तो स्वामी है ही। भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वहृदम सर्वभूतानाम यज्ञात्वा शांति मृच्छति। बोले मैं सब लोगों का भोक्ता हूं, सब लोगों का स्वामी हूं। तो जब भगवान सब लोगों के स्वामी है, तो उनको हम क्या दे सकते हैं, उनको किस चीज की भूख होगी जो हमसे पागलों की तरह हमसे लेने के लिए बार 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 हमें कहेंगे कि भाई आप मेरे को फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, हलवा चढ़ाओ, पूरी चढ़ाओ, वस्त्र आभूषण चढ़ाओ। वो किसी चीज के लिए ऐसा नहीं कहते, ये माध्यम है, वस्तु है जो हम अपने भाव को भगवान को चढ़ा सकते हैं जिनके माध्यम से। अन्यथा भगवान गीता में और अनेकों जगह भगवान ने कहा है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। हे धनंजय, मत्तः परतरम, मुझसे और कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। जब श्रेष्ठ है ही नहीं, तो भगवान को हम क्या दे सकते हैं, भगवान को किस चीज की जरूरत है। फिर भी भगवान की हम संतानें हैं, संतान होने के कारण भगवान हम सबसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं तो हमसे भी प्रेम की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन ये प्रेम नौवीं सीढ़ी है भक्ति की, आखिरी सीढ़ी है जिसमें भगवान तुरंत जीव को प्राप्त हो जाते हैं। उससे पहली सीढ़ी में ही भगवान हमसे मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं। जैसे फूल अभी थोड़ा सा खिला है, उसकी सुगंध जाने लग गई, तो भौरा उस सुगंध को सूंघ करके उस फूल के पास आने के लिए इच्छुक हो जाता है, जबकि पूरा खिला नहीं है, थोड़ा सा ही कली खिली है,
और उसमें सुगंध जाने लगी तो भौरा उसके आसपास मडराने लगता है, और जैसे ही पूरा खिल जाएगा तुरंत उस पर बैठ करके वो शहद का पान करता है। ऐसे ही ये जो भाव अवस्था है, ये कृष्ण प्रेम रूपी नौवीं सीढ़ी जो भक्ति की अवस्था है, उससे पहली ही अवस्था है जिसमें कि ये पुष्प अभी कली के रूप में उत्पन्न हो गया है और भगवान इसके आसपास मडराने लग जाते हैं। जैसे विदुरानी का भाव में वर्णन कर रहा था तो कह रहे हैं, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पान, फूली अंग समावे नहीं, फूली अंग समावे नहीं, भोजन कहाँ जिमावना, भोजन कहाँ जिमावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, लगे बहुत सुहावना, लागे बहुत सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। तो विदुरानी ऐसा भाव जागृत अपने हृदय में उनका होता है, कृष्ण से आसक्ति है, उनकी आसक्ति के कारण ये भी भूल जाती है कि छिलका देना है या गिरी देनी है, भगवान को छिलका दे देते, और भगवान क्या देख रहे हैं, भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, भगवान क्या चाह रहे हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सा, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भगवान कह रहे हैं फूल नहीं चाहिए मुझे, लेकिन भाव से युक्त होकर के फूल दोगे तो फूल के माध्यम से मेरे को पता चलेगा तुम्हारा भाव कैसा है। भाव बिन सर्वस्व भी दो मैं कभी लेता नहीं, भाव बिन सर्वस्व भी दो मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे, भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार, वो मुझे स्वीकार, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। इस भावना के बाद, इस भाव अवस्था के बाद जैसे ही प्रेम उदय होगा, जो कि नौवीं आखिरी सीढ़ी है भक्ति की, कृष्ण तुरंत मिल जाएंगे हमें। स्वयं शिवजी वर्णन कर रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान को कहीं से आना जाना नहीं है। भगवान कौन सी ऐसी जगह जहां पर भगवान नहीं है उपलब्ध, जैसे प्रहलाद महाराज सर्वत्र भगवान को देखते हैं और नामदेव जी सर्वत्र भगवान को देखते हैं, तुलसीदास जी सर्वत्र भगवान को देखते हैं, प्रभुपाद जी ने सर्वत्र भगवान का दर्शन किया। तो यहाँ तक कि प्रभुपाद जी जब जलदूत से जा रहे थे, भगवान ने समस्त अवतारों के साथ प्रभुपाद जी को दर्शन दिया। तो भगवान की जो शुद्ध भक्त हैं वो सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में ऐसा प्रेम जागृत हो गया है। लेकिन ये प्रेम बिना सच्चे भाव के नहीं जागृत होगा। अगर भाव नहीं होगा तो प्रेम की संभावना ही नहीं। भाव कब आएगा? उससे पहले वाली सीढ़ी, जब हमारे अंदर आसक्ति होगी। आसक्ति शक्ति माने चिपकना, आ माने असमंतात शक्ति ही इति आसक्ति। चारों तरफ से जब हमारे मन की वृत्ति भगवान से चिपक जाए उसको आसक्ति कहते हैं। जब तक भगवान से हमारी मन की वृत्ति नहीं चिपकती, भगवान में हमारा मन बुद्धि अहंकार सब कुछ नहीं लगता, तब तक हमारे हृदय में ये भाव की संभावना ही नहीं। मन भगवान में कब लगेगा? जब भगवान के अंदर उससे पहले वाली सीढ़ी भगवान में हमारी रुचि होगी, नाम में रुचि होगी, भगवान में रुचि होगी। लेकिन रुचि नहीं होगी, रुचि मतलब इंटरेस्ट आना, एक भगवान में हमारा मन का लगना, वो लगी नहीं रहा है तो आसक्ति तो बहुत दूर की चीज है। मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारी भगवान में निष्ठा नहीं है। हमारी निष्ठा अन्य इधर उधर बटी हुई है। निशेषेन इति निष्ठा। निशेष मतलब अब कुछ बचा नहीं, पूरी तरह से विश्वास सब तरफ से खींच करके हमने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। जिसको भगवान ने बताया, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन है बांधे बट डोरी। जब सब जगह से ममता को खींच करके भगवान के चरणों में जब लगाया, विश्वास हमारा बन गया और विश्वास भगवान के ही चरणों में जब पूरी तरह से अर्पित हो गया तो उसे निष्ठा कहते हैं। अब वो उखड़ेगा नहीं, अब वो इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन ये निष्ठा कब आएगी? जब उससे पहले वाली सीढ़ी हमारी पूरी होगी। पहले वाली सीढ़ी है अनर्थ निवृत्ति। जब हमारे चित्त से अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी, इसी सीढ़ी पर ज्यादातर साधक फेल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बारंबार गिर जाते हैं। और कई बार तो गिरने की अवस्था इतनी लंबी चली जाती है कि इसमें कई जन्म लग जाते हैं, एक दो जन्म नहीं लाखों करोड़ों जन्म लग जाते हैं। इसलिए ये अवस्था को पार करना ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है भक्तों के लिए, साधकों के लिए, जिसमें बारंबार ये अनर्थ आकर के घेर लेते हैं। अनर्थ में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सरता है, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये सब अनर्थ हैं। अनर्थ माने जो अर्थ से दूर ले जाए। अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें परम अर्थ कहते हैं। जैसे गाते हैं ना, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो जो अनर्थ हैं, ये अनर्थ हमें घेर घेर करके बार 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 गिरा देते हैं। अनर्थ निवृत्ति में ये राग द्वेष, जैसे कि काम, काम माने काम कहां से आया? काम राग से उत्पन्न हुआ। राग कहां से आया? राग रजोगुण से आया। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, काम और क्रोध ये रजोगुण से ही आया। काम कहाँ से आया? ध्यान से आया। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेश उपजायते, संग माने आसक्ति, आसक्ति माने राग, राग माने क्या है? राग के बाद कामनाएं उत्पन्न हो गई, तो राग से ही आया। इसलिए सब चीजें रजोगुण से आ जाती हैं। तो एक सीढ़ी है जिसको हमने, अनर्थों की सीढ़ी है, इसको भी हमें समझना चाहिए।
पहले तो भक्ति की सीढ़ी हम समझते हुए चल रहे हैं महाप्रभु के इस श्लोकों के माध्यम से, जिसमें पहले श्लोक के माध्यम से उन्होंने सबसे पहली सीढ़ी का पोषण किया श्रद्धा, आदव श्रद्धा। उसके बाद दूसरी सीढ़ी साधु संग, साधु संग मतलब भक्तों का संग, साधु मतलब वेश, जैसे मैंने वेश धारण कर लिया लेकिन हृदय में साधुता नहीं है, हृदय में साधुओं की जो क्वालिटीज है अगर वो नहीं है, जैसे गुरु महाराज है उनके अंदर साधुओं की क्वालिटीज भर भर के अंदर भरी पड़ी है, कदम कदम पर उनके अंदर दीनता विनम्रता करुणा आदि जीवों के प्रति निरंतर दिखाई देती है। प्रभुपाद जी के अंदर करुणा भरी पड़ी थी, प्रभुपाद जी की करुणा के कई सारे आख्यान गुरु महाराज निरंतर हम सभी लोगों को सुनाते हैं। कैसे वो कहते हैं कि माई सोसाइटी इज फॉर फॉलन सोल्स, जैसे महाराज कहते हैं एक भक्त आया सोसाइटी में, बार बार प्रेसिडेंट उसको बोलता था लेकिन फिर भी वो मंदिर छोड़ के चला जाता था। 15-16 बार जब आया तो प्रभुपाद जी को प्रेसिडेंट कहता है कि प्रभुपाद आप इसको मना कर देना, आप रखना नहीं है इसको, बार बार आता है जाता है। प्रभुपाद जी कहते नहीं नहीं रख लेना उसको। बोले नहीं प्रभुपाद ही इज वेरी फॉलन, प्रभुपाद जी कहते माई सोसाइटी इज फॉर फॉलन सोल्स। महाराज बहुत सुंदर सुनाते हैं इस घटना को। तो इनके अंदर ये सब साधुता है, इसलिए दूसरा जो सीढ़ी है साधु संघ मतलब सच्चे साधुओं का संघ, भक्तों का संघ, वेशधारी मेरे जैसे व्यक्ति का संघ करने से कुछ नहीं मिलेगा, सच्चे साधु जिसके अंदर साधुता है वो साधु का संघ। तीसरी सीढ़ी भजन क्रिया, हम साधु जनों से भजन क्रिया स्वाभाविक रूप से सीख ले, थोड़ी सी संगति से ही सीख लेते हैं, थोड़े दिनों की संगति में बहुत आनंद आता है, भजन करने में बोझा फील नहीं होता। मेरे को गुरु महाराज ने दया करके पुरुषोत्तम मास में थोड़े दिन मौका दिया, पिछले बार जब पुरुषोत्तम मास आया उस समय में महाराज साथ में रखते थे, उनके साथ बैठ करके माला जप करना कभी बोझा लगता ही नहीं था, सारी रात जपते जपते निकल जाती थी उनकी दया से, लेकिन फिर भी बड़ा आनंद आता था, थकान फील नहीं होती थी, अच्छा लगता था, और अपने को तो अच्छा ही लगता था खैर, लेकिन महाराज को तो इतना आनंद आता था कि सारी रात रोते हुए ही भजन करते थे। ये उनका भगवान नाम से प्रेम है जो इस श्लोक में महाप्रभु समझा रहे हैं कि मेरे नैनों से कब ऐसी अश्रुओं की धारा बहेगी, मेरा कंठ गदगद हो जाएगा, मैंने गुरु महाराज को देखा उनके अंदर ये सब लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। अब कोई कहे वो खाली लेक्चर में ही प्रकट करते हैं, ऐसा नहीं है, लेक्चर में भी उनके स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं, और लेक्चर में कोई मेरे जैसा व्यक्ति तो फिर भी एक्सटर्नली अभ्यास करके फिल्मी एक्टर की तरह प्रकट कर भी सकता है, लेकिन अकेले में रह करके वो किसके लिए प्रकट कर रहे हैं, वो उनके अंदर नेचुरल है इसलिए वो प्रकट हो रहा है। तो ऐसे भक्तों की संगति करने से भजन क्रिया अपने आप बन जाती है, और भजन क्रिया के प्रभाव से फिर अनर्थों की निवृत्ति होती है, अनर्थों की निवृत्ति से फिर अंदर निष्ठा जागृत होती है, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव आएगा, भाव के बाद नौवीं सीढ़ी प्रेम आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। लेकिन इन अनर्थों का भी एक क्रम है, इसको भी हमें समझना होगा थोड़ा सा। अनर्थों में विशेष रूप से आचार्य वर्णन करते हैं ये पांच गांठे हैं, पांच ग्रंथियां हैं, जो कहां से शुरुआत होती हैं, अविद्या सबसे पहली गांठ, उसके बाद अस्मिता दूसरी गांठ, तीसरी राग, चौथी द्वेष, पांचवा अभिनिवेश। अर्थात पहले अविद्या आई, अविद्या आते ही आदमी भूल गया कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, अय नंद तनुज किंकरम, ये तुरंत भूल गए, और संसार में अविद्या आते ही हमारे अंदर क्या हुआ, अविद्या, उसके बाद अस्मिता, अहंकार जागृत हो गया, मिथ्या अहंकार ने घर कर लिया, मिथ्या अहंकार जैसे ही आया उसके कारण मिथ्या राग उत्पन्न हुआ, मिथ्या राग हुआ, मिथ्या द्वेष उत्पन्न हुआ, राग और द्वेष इतना बढ़ गया कि उसके बाद अविनिवेश उत्पन्न हो गया, अविनिवेश मतलब हम पूरी तरह से उसमें मर्ज कर गए। अब ये भाव अवस्था जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तब तक तो दूर दूर तक आएगी नहीं, अनर्थ निवृत्ति मतलब अहंकार के स्तर को पूरी तरह से नष्ट हो जाना, मिथ्या अहंकार का हमारा जो भाव है जिसमें कि आदमी की दृक शक्ति और दर्शन शक्ति ये दोनों एक हो जाती हैं। जैसे कि पतंजलि भगवान योग सूत्र में बताते हैं कि दृक माने देखने वाला और दर्शन माने जो दिखाई दे रही है वस्तु, ये जब दोनों एक हो जाती हैं इसी को अस्मिता कहते हैं, इसी को अहंकार कहते हैं। अभी देखो इसको एक उदाहरण, हालांकि ये समझना ही बहुत कठिन है बद्ध आत्माओं के लिए, मेरे जैसा बद्ध व्यक्ति कैसे समझ सकता है, मुक्त पुरुष लोग इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि भाई हम
अब जैसे आंख है ये द्रक शक्ति उदाहरण के लिए, और रूप है वो दर्शन वस्तु है। आंख और रूप जब ये एकत्व को प्राप्त हो गए, अर्थात रूप में और आंख में भेद खत्म हो गया, उस अवस्था को अस्मिता की अवस्था कहते हैं। दूसरे शब्दों में द्रक शक्ति को चित शक्ति कहते हैं। चित शक्ति मतलब आत्मा की शक्ति, जो चेतना की शक्ति है, जो चेतन शक्ति है। और दर्शन शक्ति मतलब जो जड़ वस्तु जो हमें दिखाई दे रही है, तो जड़ वस्तु के साथ मिलन हो जाना, एकीकरण हो जाना, इक्वेट हो जाना, ये अहंकार को प्रदर्शित, अहंकार को जन्म देती है। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठ गया, तो गाड़ी में बैठ गया तो गाड़ी में बैठते ही अगर उसने अपने आप को गाड़ी से अलग न मान करके गाड़ी ही मान लिया, इक्वेट कर दिया अपने आप को, उसी समय उसके अंदर ये भूल जाएगा कि मैं गाड़ी से अलग मेरी कोई सत्ता है, उसके अंदर ये स्मरण पैदा हो जाएगा कि मैं गाड़ी हूं, क्योंकि इक्वेट कर दिया अपने आप को। ये दो प्रोबेबिलिटीज उसके अंदर जनरेट होंगी, या तो ये सोचेगा कि मैं गाड़ी हूं, अथवा ये सोचेगा गाड़ी मैं हूं। दूसरे शब्दों में अगर वो अपने आप को चेतन समझता है तो गाड़ी को भी चेतन समझेगा, अगर गाड़ी को जड़ समझता है तो स्वयं को जड़ समझने की भूल करेगा। ये अहंकार का सूचक है। जैसे ही वो सोचेगा मैं गाड़ी हूं, उसी समय उसके अंदर जब भूख लगेगी तो फिर गाड़ी में पेट्रोल डालने का प्रयास करेगा। महाराज इस उदाहरण को बहुत अच्छी तरह से देते हैं, मेरे को ये उदाहरण बहुत पसंद आता है। तो गुरु महाराज कहते हैं जब वो भूल गया और अपने आप को समझ रहा है मैं गाड़ी हूं तो भूख लगेगी, तो उसको ये थोड़ी भान है कि मेरे को अलग से खाना खाना चाहिए। वो सोचेगा गाड़ी का भोजन ही मेरा भोजन है, इसलिए वो 5 लीटर पेट्रोल डालने का प्रयास करेगा। लेकिन मूलतः वो गाड़ी तो है नहीं, लेकिन प्रयास कर रहा है वो गाड़ी समझ करके पेट्रोल डालने का, उसकी भूख कभी नहीं मिटेगी। ये मिथ्या अहंकार की वृत्ति है। ऐसे ही जब हम अपनी चित्त शक्ति से लड्डू को देखते हैं, द्रक शक्ति से लड्डू को देखते हैं, और लड्डू एक दर्शन वस्तु है, और उसके साथ जब हम अपने आप को इक्वेट कर देते हैं, अर्थात हमारी बुद्धि ही लड्डू बन जाती है, तभी लड्डू का भोग हो सकता है, उससे पहले लड्डू का भोग नहीं हो सकता। तो ये जो अहंकार है जिसमें कि आदमी अपने आप को शरीर मानने की भूल कर बैठता है, अभी हम लोगों को पूछा जाए तो बोले ये कहना बहुत कठिन हो जाता है कि मैं आत्मा हूं। कई बार तो हम ऐसा कहने लगते हैं जैसे हम शरीर को बोलते हैं ना मेरा शरीर, ऐसे ही हम आत्मा को भी संबोधित करने लग जाते हैं मेरी आत्मा। ये नहीं कह पाते कई बार कि मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा बड़ी दुखी है, जबकि मैं आत्मा हूं वास्तव में। लेकिन ये अलग करके इसको देखना ही आसान है ही नहीं, बहुत कठिन काम है। लेकिन साधन अवस्था में, साधक अवस्था में, ज्ञान चक्षु के द्वारा गुरु वैष्णवों के मुक्त पुरुषों के सानिध्य में रहते हुए जब हम इसको सीखने समझने का प्रयास करते हैं, वो प्रयास ही हमारे लिए इसमें एक साधना है, वो प्रयास ही भक्ति है, जिससे बार 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 हम इसे समझते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर समझते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर समझते हैं फिर भूल जाते हैं। ऐसा प्रयास करते 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 जब कभी हम सफल हो जाते हैं, और जब सफल हो जाते हैं तो अस्मिता नष्ट हो जाती है और ज्ञान स्थिर हो जाता है। ज्ञान स्थिर हो जाता है तो हम स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं, और जैसे ही ज्ञान स्थिर हुआ इस शरीर से अस्मिता खत्म हो जाएगी। जैसे ही अस्मिता खत्म हो जाएगी हमें देह धर्म व्यापेंगे नहीं फिर। जैसा कि भागवत में वर्णन कर रहे हैं भगवान, 11वें स्कंद में भगवान दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक है ये। क्या कह रहे हैं? देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम यो जन्माप्य बुद्ध शुद्ध भय तर्श कृच्छयी संसार धर्मई विमुह्यमान स्मृत्या हरेर भागवत प्रधान। बोले वो भक्त हरि का बड़ा प्रधान है जिसको कि ये देह धर्म व्याप्ते नहीं। देह धर्म क्या है? देह इंद्रिय प्राण मनो धिया यो, देह के धर्म, प्राण के धर्म, मन का धर्म, इंद्रियों का धर्म और बुद्धि का धर्म, ये हमें अगर ना व्यापे तो समझ लो हम अहंकार से परे हो गए। अहंकार रूपी जो मुख्य अनर्थ है जिसके अंदर लोभ क्रोध काम ईर्ष्या, ये सब अहंकार के कारण ही पैदा होते हैं। तो ये मिथ्या अहंकार जो अस्मिता है जिसमें
हम जो है नहीं उसमें अपने आप को हमने मान बैठे हैं, वो अस्मिता का नाश अगर नहीं है तो देह धर्म व्यापेंगे ही व्यापेंगे। देह धर्म क्या है? जिसके कारण हमारा जो शरीर है ये जन्म मृत्यु से संबंधित है। तो देह के कारण क्या होगा? हम जन्म मृत्यु को बारंबार प्राप्त होंगे, जिसमें जन्म और मृत्यु के दुसह दुख सहन करने पड़ते हैं। जन्म और मृत्यु का कष्ट हमें व्यापेगा ही व्यापेगा। इस कष्ट से हम बचने का बारंबार प्रयास करते रहते हैं। जीवन काल में अंत तक हमारा प्रयास यही रहता है। कपड़ा पहन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा हर प्रयास मृत्यु से बचने के लिए है। अर्थात हमें मृत्यु का अंदर भय सता रहा है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको मृत्यु का भय नहीं सताता, उनको इंद्रियों का भय नहीं सताता। जो इंद्रिय रात दिन संसार में लगे रह करके कष्ट पाते रहते, कृच्छैर, उनको प्राणों के कष्ट नहीं सताते, जिसमें कि प्राण को भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख प्यास का कष्ट उनको नहीं सताता। जैसे महाराज परीक्षित हैं, वो कथा सुन रहे हैं, उनको भूख प्यास की याद भी नहीं आ रही है, कष्ट सताना तो दूर की बात। उनको मन के अंदर जो भय व्याप्त है वो भय कभी भयभीत नहीं करता किसी भी परिस्थिति को लेकर के। मैंने गुरु महाराज को देखा, कितने भी मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति, उनको बारंबार कभी किसी की शिकायत, कभी किसी की शिकायत, ऐसे शिकायतें लगाते रहते, लेकिन महाराज फिर भी प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षति, अपने आप में आनंदित रहते हैं। तो ये मन में भय नहीं है। प्रभुपाद जी के अंदर कोई भय नहीं था। 70 वर्ष की अवस्था में इतना बड़ा बोल्ड स्टेप उन्होंने उठाया। कौन वृद्ध व्यक्ति बिना किसी सहयोग के कितना बड़ा स्टेप उठा सकता है? 50 बार सोचते हैं यहाँ तो सब कुछ होता है, तो भी इतना बड़ा इस्कॉन का नाम है तो भी अंदर टेंशन सताता है, मन भयभीत रहता है, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी। लेकिन मन का ये धर्म जो भय है ये सताए ही नहीं। बुद्धि का जो धर्म है तृष्णा, 3 प्रकार की एषणा जिसको कहते हैं, छोटी त्रिविद एषणा गाढ़ी, छोटी त्रिविद एषणा गाढ़ी। ये 3 प्रकार की एषणा जो गाढ़ी है, इतनी गहरी है कि बुद्धि में से निकलती नहीं। वित्तेषणा, दारेषणा और लोकेषणा, धन की इच्छा और संसार से प्रतिष्ठा की इच्छा और संतान आदि, जिसमें कि पत्नी की इच्छा, दारेषणा आ जाती है। ये 3 प्रकार की एषणाओं को त्याग कर पाना ये बुद्धि के लिए बहुत कठिन है। लेकिन जो भक्त बन गया, जिसका अहंकार के अंदर अस्मिता का नाश हो गया, अनर्थ निवृत्ति हो गई, उसी समय उसको ये देह धर्म ये सब सताएंगे नहीं। बोले वो भागवत प्रधान है, वो बड़ा भक्त है। जैसे ऋषिकेश में एक पुरानी घटना है, ऐसा वर्णन आया वहां पर कि एक साधु के ऊपर, पहले तो जंगल थे ऋषिकेश आदि में, अभी तो कुछ जंगल फंगल नहीं रहे, हिमालय में भी पशु सभ्यता जो पहले चलती थी, जिसमें बहुत सारे हिंसक जानवर आदि होते थे, सब जानवरों को लोगों ने मार खाया। अभी तो हिमालय में भी इतने हिंसक जानवर देखने को नहीं मिलते। वहां पर शेर आया ऋषिकेश में और एक महात्मा को उठा लिया उसने। और शेर तो खून का पान करता है, जब खून का पान करता है तो खून से ही पेट भर लेता, ज्यादातर तो नहीं भरता तो फिर मांसाहार करता है। तो इनको शेर ने उठा लिया, लेकिन ये चीख नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे, कोई इनके अंदर ऐसी वृत्ति नहीं जागृत हो रही जैसे कि हम भयभीत हो जाएं देख करके। इनको तो उठा लिया है, उल्टा प्रसन्न होकर के हंसते हंसते अपने शरीर से उस मांस को उस शेर के मुंह में दे रहे हैं, ले भाई तो खा ले। अब इसको कहते हैं शरीर से परे है ये, देह धर्म अब इनको व्याप नहीं रहा है। ऐसी घटना भागवत में भी देखने को मिलती है। 6ठम स्कंद में जो महान आचार्य हुए दधीची, महाराज दधीची के पास देवता लोग स्वयं चले गए और स्वयं दधीची के पास जाकर के कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप कृपा करके भक्तों के कल्याण के लिए, संसार में जीवों के कष्टों को मिटाने के लिए जो वृत्तासुर आदि के कारण उत्पन्न हुए हैं, आप कृपा करके अपनी देह को दे दो। अब देह तो इतनी प्यारी लगती है कि पुत्र से भी, धन से भी, पत्नी से भी, मकान दुकान धन दौलत सब चीजों से देह बड़ी प्यारी लगती है। देह को कोई व्यक्ति नहीं देना चाहता, यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी अगर आकर के खड़े हो जाएं और कह दें तू तेरा शरीर दे दे मेरे को, कोई देने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। आप भक्तों में से कोई तैयार हो जाए, मैं तो तैयार नहीं हो सकता क्योंकि मैं इतने शरीर के स्तर पर हूँ। देह, हालांकि देह छूटनी निश्चित रूप से है, हम भगवान विष्णु को ना भी दें या किसी और को ना भी दें तो भी
डॉक्टर वगैरह ये इनके इन प्रकार हमें ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, हमसे छीन लिया जाएगा, लेकिन फिर भी इतना लगाव हमारा इस देश से होता है कि इधर से फोटो खींचो उधर से फोटो खींचो। लेकिन दूसरी ओर प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव, कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि मेरा फोटो खींचो। उनका तिलक लगाने का भी स्टाइल मैंने वीडियो में देखा, इतना सरल, खाली ऐसे लेकर के फटाक से ऐसे तिलक लगा लिया एक दो बार और लगा करके चल पड़े, और इतनी प्रसन्न मुद्रा में उनके जितने भी फोटो हुए एक भी ऐसा नहीं हुआ कि उसको देख करके तुरंत नजर हट जाए, भाई ये फोटो इतना अच्छा नहीं, चलो हटाओ इसको। और हम लोग कितना स्टाइल मार मार करके फोटो खिंचाते हैं तो भी हमारे फोटो में वो छवि आती नहीं, तो हम लेकिन फिर भी फोटो के आकांक्षी होते हैं क्योंकि हम देह धर्मा लोग हैं, देह से अत्यधिक आसक्ति है। तो देह तो इतनी बड़ी वस्तु हम समझ, क्योंकि सबसे बड़ा अहंकार की शुरुआत तो इस देह से ही शुरुआत होती है, जिसमें दृक शक्ति दर्शन शक्ति दोनों एक हो जाती है, अर्थात चित्त शक्ति को इस जड़ शक्ति के साथ कंपेयर करते हुए हम आत्मा को भी जड़ मान करके अपने आप को शरीर मान लेते हैं, अथवा इस शरीर रूपी जो जड़ वस्तु है इसको हम चेतन मान करके इसी को आत्मा मान लेते हैं, इसी को चित्त शक्ति के रूप में मानते हैं और सोचते हैं बड़े काम की चीज है, इसको तो मैं कैसे त्याग करूंगा, इसी से मेरे भोगों की सारी आपूर्तियां होती हैं, इसी से मेरी सारी आसुरी वृत्तियां पूर्ति होती हैं, जो गीता में भगवान 16वें अध्याय में विस्तार से बता रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि मैंने अभी इतना धन कमा लिया है और मैं इतना कमाऊंगा और वो मेरे को मिल जाएगा, तो बस आनंद ही आनंद है। इस शत्रु को मार दिया, उस शत्रु को मार दिया, गिने चुने दो चार लोग बचे, इस प्रकार से एकदम तिक्रम लगा करके मैं इसको उसको मारने के लिए लगा देता हूँ, इसको उसको मारने के लिए लगा देता हूँ, कैसे भी करके मैं इन सारे असुरों को शत्रुओं का मार डालूंगा और मैं फिर निश्चिंत होकर के संसार में जीवन जीऊंगा। ये आसुरी वृत्तियां हैं जिसमें हम संसार में अपने जीवन का शाश्वत रूप से दर्शन करते हैं कि हम सदा ही यहाँ रहने वाले हैं इस शरीर के द्वारा, लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं उस बात को जानते हैं, वो कहते हैं जो गीता में भगवान ने कहा, नास तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्ट्वन्तः तु अनयो तत्त्वदर्शिभिः। जो तत्वदर्शी होते हैं वो जानते हैं ये नाशवान है, वो जानते हैं ये नाशवान नहीं है, नाशवान नहीं है उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि दोनों के डिफरेंस को जानने का मतलब है उसमें से लाभ और हानि को पहचानना। जो नाशवान वस्तु है उसको चिंता नहीं करते, जैसे शरीर नाशवान है जिसको गीता में भगवान आगे बता रहे हैं, अंत वंत इमे देहा, ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन नष्ट होगा ही होगा। तो महाराज दधीची के पास हो जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं, आप दे दो मेरे को, हमें शरीर को दे दो। देवता लोग संसार के जीवों के लिए बने हैं, वो संसार के जीवों का ध्यान रखने के लिए बने हैं, उनको आवश्यक वस्तु देने के लिए बने, लेकिन वो खुद नहीं दे पा रहे, वो महाराज दधीची के पास जा रहे हैं। इससे पता चलता है जो वैष्णव होते हैं इन देवताओं से भी कई गुना श्रेष्ठ होते हैं। तो महाराज दधीची के पास जा रहे हैं, दधीची को कहते हैं आप अपना शरीर दे दो। महाराज दधीची कहते हैं कैसे दे दें भाई, तुम्हें पता नहीं है क्या शरीर को कितना प्रिय मानता है हर जीव, जीव का ही तो ये धर्म है, शरीर का ही धर्म, इसी धर्म से तो जीव का धर्म चलता है, और तुम मेरे से शरीर ही मांग रहे हो, और ऊपर से ऐसे नहीं कि त्यागी हैं ब्रह्मचारी हैं, बोले गृहस्थी हैं, उनकी पत्नी का नाम सुवर्चा है, उनकी धर्म पत्नी है, हालांकि धर्म पत्नी उस समय उपस्थित नहीं थी, पत्नी के सामने मांगते तो पत्नी उनको भगा देते, लेकिन देवता लोग बड़े चतुर थे, उन्होंने पत्नी के सामने नहीं मांगा और उन्होंने अकेले में मांगा। तो वो कहते कैसे कोई दे सकता है, कितना कष्ट होता है पता है तुमको, बोले हम जानते हैं लेकिन वैष्णवों के लिए ऐसी कौन सी चीज है जिसका कि वो त्याग नहीं कर सकते, कौन सा ऐसा चीज है जिसका दुस्त्यज्य है उनके लिए, अर्थात कठिन है किसी वस्तु का त्याग करना, वैष्णव सर्वस्व त्याग कर देते हैं, जैसा कि और पर उपकार करने के लिए तो वैष्णव बने ही हैं। नरसिंह मेहता जी का जो बड़ा सुंदर भजन है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका एक भी गुण मेरे अंदर नहीं आ पाता, लेकिन मैं गाना बहुत पसंद करता हूँ, उसमें वो इस वैष्णवता को बड़ी अच्छी तरह से प्रदर्शित करते, बोले आप पर उपकार के लिए क्या नहीं दे सकते। आखिर में लंबी घटना है, मैं संक्षेप में समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ, आखिर में उन्होंने उस शरीर को दे दिया, और जब शरीर को दे दिया उनकी धर्मपत्नी वापस आई, धर्मपत्नी ओ मेरे पिता मेरे पति नहीं रहे, उन्होंने तुरंत सती होने के लिए चेष्टा करने लगी, मैं सती हो जाऊंगी अभी अपने पति से, इतना वो भी वैष्णवी थी, साधारण नहीं थी, ऐसे वैष्णव के प्रति साथ में अगर कोई मरना चाहे तो उससे बड़ा वैष्णव और कौन होगा, उनकी धर्मपत्नी भी ऐसी ही। आकाशवाणी हुई, शिव जी ने कहा नहीं आप सती मत होइए, आपके गर्भ में बहुत बड़ा
एक वैष्णव है जो कि इनका ही पुत्र है, महर्षि दधीचि का पुत्र है, आपको सती नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने शिवजी की आकाशवाणी को नकार दिया और उन्होंने देखते देखते अपने हाथों से प्रहार करके अपने पेट को फाड़ दिया और ये सोच के फाड़ा भगवान ही सबके रक्षक हैं। उन्होंने पेट को फाड़ करके उस बच्चे को बाहर निकाला, जबकि वो बच्चा अभी पूरी तरह से पालित नहीं हुआ था, पोषण भी नहीं हुआ था, सारे शरीर के अंगों का निर्माण भी नहीं हुआ है, निकाल करके बाहर फेंक दिया और बोले भगवान ही तुम्हारा पालन करेंगे, लेकिन मैं अपने पति जैसे वैष्णव का सानिध्य नहीं छोड़ पाऊंगी। उन्होंने तुरंत अपने आप को सती करा दिया और सदगति प्राप्त की। इनका नाम हुआ पिपलादि। तो पीपल का वृक्ष था, वहां पर पीपल के वृक्षों ने इनका पालन पोषण किया, इसलिए इनका नाम पिपलादि पड़ा। प्रश्नोपनिषद एक उपनिषद है जिसमें 6 ऋषि तत्व ज्ञान की खोज में चारों तरफ से घूम रहे थे सारे संसार में। अब उनको तत्व ज्ञान देने वाला कोई मिला ही नहीं, क्योंकि मिले कहां से, भाषण देने वाले तो मेरे जैसे बहुत होते हैं लेकिन क्रिया करने वाले बहुत कम होते हैं। तो वहां पर ये क्रियात्मक वैष्णव थे पिपलादि मुनि, इन्होंने उन 6 ऋषियों को तत्व ज्ञान दिया, भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया और वो पूरी तरह से तृप्त होकर के वो भी भगवान के वैष्णव बने। तो महर्षि दधीचि से, यहाँ पिपलादि से, उनकी धर्म पत्नी से, प्रभुपाद जी से हम सीख सकते हैं। विशेष रूप से प्रभुपाद जी तो ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें आप उनका फाइनल लेसन कभी देखेंगे तो उस समय में प्रभुपाद जी जाते तो अपना खुद का कीर्तन करते रहते या खुद भगवान की किसी लीला में डूब जाते। वो तो डूबे हुए सदा ही रहते थे, लेकिन अंतिम समय में भी वो जीवों पर दया करने के लिए अंतिम समय में भी इतने कष्ट के साथ, ये नहीं बोल रहे मेरे यहाँ दर्द हो रहा है थोड़ा यहाँ दबाओ, मेरी टांग में दर्द हो रहा है थोड़ा यहाँ दबाओ, मेरा मस्तिष्क में दबाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग, इतने सारे शिष्य बनाए मैंने, मेरे को दबाओ, मेरी सेवा करो, मेरी यहाँ मालिश करो, कुछ नहीं। ऐसी अवस्था में भी जिसमें सांस जुटाना कठिन हो रहा है, प्रभुपाद जी उस अवस्था में प्रवचन दे रहे हैं। इससे पता चलता है प्रभुपाद जी देह धर्म से कितने परे हैं। गुरुजन भी ऐसे ही होते हैं। मैंने गुरु महाराज को देखा, महाराज को कष्ट के कारण बीमारी आदि, कई बार टेंशन हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, तो नींद नहीं आती महाराज को, तो रात को नींद नहीं आ रही, फिर भी वो रात को माला लेकर के साथ में ही सो रहे हैं। तो माता जी ने कहा, कुंती माता जी कहती, महाराज थोड़ा सा आप इस माला को रख करके रात्रि को कम से कम रेस्ट तो कर लिया कीजिए। तो माता जी को लेकर के महाराज कहते, अरे भैया मेरी माला को भी तुम लोग छुड़वा दोगे, कम से कम माला तो मत छुड़वाओ। इससे पता चलता है ये सभी वैष्णव कितने देह धर्म से परे हैं। ये वैष्णवता है, ये अनर्थों की जड़ जो अस्मिता है, इसका नाश है। ये कब होगा? जब तक हम वैष्णवों के सानिध्य में रहकर के इस विद्या को ग्रहण नहीं करेंगे। ये विद्या का प्राण है, ये हरिनाम संकीर्तन, और वैष्णवों के सानिध्य में साधु संघ से हम इस विद्या को ग्रहण करें और इसको जीवित रखने के लिए निरंतर हम भगवत भजन का आश्रय जब ग्रहण करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब हम ऐसे वैष्णव बनेंगे और हमारा निश्चित रूप से ऐसा भाव का उदय होने का एक दिन जरूर आएगा, जिसको लेकर के हम सभी चिंतित भी होंगे। अभी तो हमारे अंदर चिंता भी नहीं है कि हमारे अंदर कभी ये भाव आएगा, ये भाव दशा कब आएगी। इसलिए इस भाव दशा के इन सभी रहस्यों को हमें समझना होगा और ऐसा सच्चा वैष्णव बनना होगा, जो कि नरसिंह मेहता जी अपने भजन में बता रहे हैं। इसकी एक दो लाइन में गाऊंगा, मेरे को अच्छा लगता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। आगे कह रहे हैं, पर दुखे उपकार करे तुए, पर दुखे उपकार करे तुए, पर दुखे, दूसरे का दुख तो तभी दिखेगा ना जब स्वयं दुख से मुक्त है वो, और स्वयं का दुख तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो देह धर्म से युक्त है, शरीर के स्तर पर है, अपने ही शरीर, तो शरीर तो कष्टों का घर है, तो अपने दुखों से कहां उसको मुक्ति मिलेगी। इसलिए दूसरे के कष्ट उसको दिखाई नहीं देंगे। इसलिए वैष्णव तो वही है जो इस मिथ्या अहंकार से परे चला गया, तब उसकी दशा होती है।
पर दुखे उपकार करे तोए, 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 मन अभिमानन आने रे, मन अभिमानन आने रे। उससे पहले तो हम तुरंत कह बैठते हैं, मैंने तेरे लिए ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, तो भूल गया। अगर ऐसा है तो वैष्णव नहीं बने। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई जाने रे, सकल लोक मा सहुने बंदे, सकल लोक मा सहुने बंदे, निंदा करेन के नी रे, निंदा करेन के नी रे, वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे, धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, गुरुदेव 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 गुरुदेव। तो आवश्यकता है आसक्ति उत्पन्न करने की। यदि हमने इस भाव को उत्पन्न करना है, आसक्ति तब तक नहीं आएगी जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं आएगी। अनर्थ निवृत्ति होते ही रुचि आसक्ति, इसमें देर नहीं लगेगी। आसक्ति के तुरंत साथ ही भाव उत्पन्न हो जाएगा और भाव के तुरंत बाद प्रेम, और सच्चा प्रेम मिलते ही भगवान श्री कृष्ण हम अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। भगवान को हम धकेलेंगे भी दूर जाने के लिए तो भी वो नहीं जाएंगे। तो हमें इसे समझते हुए ये इनके इन प्रकार इन अपने अहंकार का नाश करते हुए आगे बढ़ना है और ये जीवन को सफल बनाना है। धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए आप सब भक्तों का धन्यवाद बहुत बहुत। और जो कुछ भी मैंने कहा ये गुरु वैष्णवों की दया से ही कहा, मेरा कोई ऐसा क्रेडिट नहीं है। जो कुछ भी गलत लगा हो तो आप मेरे को क्षमा कीजिए। अगले का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कीर्ति माता जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, एक मिनट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने कल बताया था कि हाँ आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा, आपने कल बताया कि भाव के आंतरिक लक्षण 9 है, तो जरा कल फिर से बताएंगे क्या भी हो। हाँ, शांति, अव्यर्थ कालत्व, मान शून्यता,
मान सुने विरक्ति विरक्ति आशाबंद आशाबंद उत्कंठा नाम गाने सदा रुचि और भगवान की लीला स्थलियों में प्रीति और गुणानुवाद में आसक्ति भगवान के गुणगान में आसक्ति अच्छा लगना चाहिए और लीला स्थलियों में प्रीति। और एक प्रश्न है प्रभु जी जी वो निष्ठा खत्म क्यों आती और खत्म क्यों हो जाती निष्ठा आती है खत्म हो जाती है सत्संग करने से निष्ठा आती है और कुसंग करने से निष्ठा खत्म हो जाती है हालांकि निष्ठा तक पहुंचते ही नहीं हम उससे पहले थोड़ी निष्ठा तो उसको कहते हैं कि एक बार आ गई फिर जाएगी नहीं तो निष्ठा खत्म नहीं होती संसार में हमारा थोड़ा सा जो सत्संग करने से भगवान में श्रद्धा बढ़ती है वो श्रद्धा ही डगमगाती है शुरुआत में श्रद्धा कभी आ जाती है कभी चली जाती है सत्संग करते हैं श्रद्धा आ जाती है श्रद्धा एक वेरिएबल टर्म है ये कांस्टेंट टर्म नहीं है ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है सत्संग करेंगे तो ऊपर जाएगा कुसंग करेंगे तो नीचे चला जाएगा इसलिए जीवन में कभी कुसंग ना हो और सदैव सत्संग हो तो ये श्रद्धा बढ़ती चली जाती है अपने आप अनर्थ निवृत्ति करा लेती है भजन क्रिया करवा के और उसके बाद निष्ठा आ जाती है यही तो समझ है कि हम श्रद्धा को निष्ठा समझ लेते हैं अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं उससे पहले ही निष्ठा में हम सोचते हैं कि हम निष्ठा में प्रवेश कर गए धन्यवाद प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और कोई प्रश्न शायद नहीं होगा हरे कृष्णा और कोई डिवोटी का कोई प्रश्न थैंक यू सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा हरे कृष्णा धन्यवाद सभी भक्तों को हरे कृष्णा थैंक यू सौरभ जी धन्यवाद हरे कृष्णा थैंक यू प्रणाम